हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। वहीं पानीपत के सिविल सर्जन डॉक्टर संतलाल वर्मा ने कोरोना वायरस पर अपडेट देते हुए बताया कि इस समय फिलहाल 3 पॉजिटिव केस बाकी हैं और बाकी सभी ठीक होकर घर जा चुके हैं। साथ ही बताया कि टोटल पानीपत में 36 पॉजिटिव केस थे जिसके अंदर 3 लोगों की मौत हो चुकी है। देखिए इस समय जो है हम पानीपत के सिविल हॉस्पिटल में हैं और मैं बता दूं आपको कि हमारे साथ जो हैं संतलाल वर्मा जी हैं, सिविल सर्जन जो हैं पानीपत के, उनसे पूछते हैं कोरोना पे क्या अपडेट है। लेकिन सबसे बड़ी बात है जिस तरीके का स्वास्थ्य विभाग की टीम काम कर रही है तो कहीं ना कहीं एक बेहतर परिणाम सामने आया है, क्योंकि कोरोना पॉजिटिव केस जो हैं पानीपत में 36 केस हो गए थे जिसके अंदर 3 मौत भी हो चुकी हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से डॉक्टर साहब ने दिन रात मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, और आज ये पोजीशन है कि कहीं ना कहीं वो पॉजिटिव केस घटे हैं और नेगेटिव पे आके एक आंकड़ा रह गया है। इसी को लेकर हम डॉक्टर साहब से बात करते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपको बधाई कि आप मेहनत कर रहे हैं, दिन रात काम कर रहे हैं। धन्यवाद। इसके लिए एक अपडेट दे दें हमें, क्या इस समय आज 17 तारीख का क्या अपडेट है? हमारे जिले पानीपत के अंदर अभी तक जो टोटल पॉजिटिव केस की संख्या है वो 36 है, जिनमें 2 केसेस मेडिकल कॉलेजेस में डिटेक्ट हुए थे और इनमें से 30 लोग ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। अब 3 केस हैं जो एक्टिव हैं, जो फिलहाल मेडिकल कॉलेज खानपुर में अभी एडमिट हैं। जैसा कि आपने पहले ही बता दिया, 3 केसेस की डेथ हो चुकी है, वो पहले से रिपोर्ट हो चुके हैं। ये थे हमारे साथ डॉक्टर साहब संतलाल वर्मा जी, सिविल सर्जन, जो सबसे बड़ी बात है जिन्होंने बताया कि किस तरीके से पेशेंट हैं और घट रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत बड़ी बात है और इसमें जो है सभी का सहयोग है। इसी को लेकर उनकी आगे की क्या स्वास्थ्य विभाग की योजनाएं रहती हैं वो धीरे धीरे अवगत कराते रहेंगे। लेकिन 17 तारीख की जो अपडेट दी है वो अपडेट ये है, पानीपत वासियों के लिए एक सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि देखिए पिछले 4 दिन से कोई पॉजिटिव केस नहीं आ रहा और कहीं ना कहीं जो 36 पॉजिटिव केस थे जिसके अंदर से 3 डेथ भी हो गई थी, तो कुल मिलाकर हम कहें कि इस समय जो है फिलहाल पीजीआई खानपुर के अंदर 3 पॉजिटिव केस रह गए हैं, बाकी सभी की छुट्टी हो चुकी है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। जितेंद्र शर्मा, हरियाणा न्यूज़, पानीपत।